सभी का स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार देश भर में गुस्सा और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी को लेकर मंगलवार को मऊ बाजार में एक मार्च किया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इसमें लोगों ने पाकिस्तान पर हमले की मांग की है और पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी। पीछे देख सकते हैं तमाम लोग हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग एक सुर में, एक लय में बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका बदला लेना चाहिए। जिस तरह से अब कहा गया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो शरद का जो टैक्स है, सीमा जो टैक्स बढ़ता है उसको बढ़ा दिया गया है, जो अलगाववादी नेता है उनकी जो है सिक्योरिटी हटा ली गई है, वर्ल्ड क्या कहते हैं कि क्रिकेट खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए उनके साथ। जी हम तो कह रहे हैं कोई किसी का रिश्ता नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान से। जब तक पाकिस्तान को तबाह बर्बाद न कर दिया जाए तब तक हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को सुकून नहीं मिलने वाला है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि तत्काल पाकिस्तान पर कार्रवाई करें, और मैं तैयार पाकिस्तान के बर्बाद करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे बदन में RGX बांध करके पाकिस्तान पे छोड़ सकते हैं। मैं अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवा कुर्बान कर सकते हैं जान। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से बदला लेना? ये बदला लेना चाहते हैं हम लोग। उन्होंने मारा है 40 को, हम मारना चाहते हैं 4000 को। पूरे पाकिस्तान को नष्ट करना चाहते हैं। मेरा वतन है भारत, खून का बदला खून चाहिए। मेरा भारत बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? हम खून का बदला खून से चुकाना चाहते हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। जितने भी आतंकवादी हैं उनको जड़ बनाना चाहते हैं। हमारी यही प्रेरणा है। हम सब हिंदू मुस्लिम एक हैं, हम भारतवासी, हम हिंदुस्तान की तरफ से ही रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने मारा है, हम उससे ज्यादा दर्दनाक मौत उन्हें देना चाहते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे इससे आप? हम तो मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि जो है चुनाव रोक के सबसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसके बाद फिर चुनाव हो। किस तरह से लोगों की आंखों में वो दर्द दिख रहा है, जो बुजुर्ग है उनकी आंखों में साफ तौर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह से आंसू हैं जो हमारे जवान के मारे गए जवान, उनके बच्चे कैसे तड़पते होंगे। तो मेरा दिल खुद पाकिस्तान पूरा लट हो जाना चाहिए। हम लोग चले अजा, मेरे ये बच्चे जो 40 आदमी के मारे गए हैं, उनके दिल से पूछो क्या दिल उनके से हो गए। पाकिस्तान साला दोगला है। किस तरह से बुजुर्गों की आंखों वो दर्द झलक रहा है, एक एक हिंदुस्तानी रो रहा है उन जवानों को लेकर के जिन्होंने अपने के लिए अपनी जाने गंवाई है। अब देखते हैं कि किस तरह से इस पे आगे कार्रवाई होती है और कितना जल्द इसका बदला लिया जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।